बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी नेता जो है वो तैयारी में जुट गए हैं। अब बिहार में लोकसभा सीट में से एक सीट है मुंगेर की लोकसभा सीट, जो सबसे ज़्यादा हॉट सीट मानी जा रही है। वहाँ से हालांकि अभी सांसद हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, मगर अब सभी समाज के नेता जो है वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर अपने जात की बात करने लगे हैं। ऐसे में ही पीयूष प्रियदर्शी जो धानुक समाज से आते हैं वो मुंगेर के सूर्यगढ़ा पहुँचते हैं और अपने समाज के बीच आदेश लेते हैं और उन्हें बताते हैं कि कैसे वो मुंगेर को एक सुंदर मुंगेर बनाना चाहते हैं। हालांकि इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था किस तरीके से पीयूष प्रियदर्शी जो हैं वो अपने क्षेत्र में अपने समाज के लोगों को एकजुट करने के लिए जुट चुके हैं। उन्होंने कहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, अगर उनका समाज जो है उनका साथ देता है। तो सूर्यगढ़ा पहुँचे थे पीयूष प्रियदर्शी, जहाँ पर उन्होंने काफ़ी भीड़ जमा की। 1000 से ज़्यादा लोग पीयूष प्रियदर्शी के साथ खड़े हुए और वहाँ पर उन्होंने एक बार फिर से अपने जात के लोगों से पूछा है कि क्या मुझे इंडिपेंडेंट चुनाव जो है वो यहाँ से लड़ना चाहिए, क्या उनको लोग सपोर्ट करेंगे। तो ये तमाम चीज़ों का आश्वासन लेने के लिए पीयूष प्रियदर्शी जो है लगातार मुंगेर जा रहे हैं और मुंगेर में लोगों से मिल करके उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को समझ रहे हैं और साथ साथ उनसे यह पूछना चाह रहे हैं कि क्या अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो क्या धानुक समाज उनके साथ रहेगा, क्योंकि खुद धानुक समाज से पीयूष प्रियदर्शी आते हैं और लगातार इन दिनों मुंगेर लोकसभा में जो है वो कैंपेन कर रहे हैं। हर बार हम आप तस्वीर देखेंगे कि लोगों के बीच जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से धानुक समाज का जो है वो उत्थान नहीं किया गया है। तो ऐसे में आप हमें वोट कीजिए, हमें पसंद कीजिए, ताकि आपके लिए हम आवाज़ बन सके, आपके कामों को सुचारू रूप से कर सके। इसलिए लगातार पीयूष प्रियदर्शी जो है वो अपने चुनावी क्षेत्र में बने हुए हैं। हालांकि आने वाला समय ही बताएगा कि पीयूष प्रियदर्शी जो है वो किसी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं या फिर वो लगातार जो बात कहते आ रहे हैं कि मैं अकेले भी चुनाव लड़ सकता हूँ। तो आने वाला समय बताएगा कि पीयूष अकेले लड़ेंगे या फिर कोई पार्टी उनका समर्थन करेगी और उन्हें टिकट मिल जाएगा।